नमस्कारम। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जो जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत्तौ यस्य परिबन्धिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है।